चॉकलेट है 5 स्टार, वो हम ले रहे हैं। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ एक न्यू स्पॉट में। सॉरी, ये न्यू नहीं, इसकी मैंने एक बार यहाँ पे यूज़ कर लिया हूँ इस स्पॉट को बहुत बहुत पहले। एंड उस टाइम पे ये इतना इतना वाइल्ड नहीं था, दैट मीन्स कि वहाँ पे बहुत ना झाड़ी उतना नहीं थी और वो जंगली भी उतना नहीं था। एंड ये जो यहाँ पे ये इस तरफ का जो आप देख पा रहे हो, ये भी इतना घना नहीं था। एंड उस ये भी इतना घना नहीं था एंड उस तरफ का जो है वो भी उतना घना नहीं था। बट मैं आज जब आया यहाँ पे तो देख रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा घना हो चुका है। एंड मैं लास्ट टाइम यहाँ पे ही स्पॉट किया था इस साइड। एंड बस उस टाइम पे बस मेरे पास टेंट था, शेल्टर नहीं थे, बट आज शेल्टर और टेंट दोनों एक साथ है, जिस वजह से मैं यहाँ पे फिर से एक बार कैंपिंग कर रहा हूँ। एंड यहाँ का सच, यहाँ पे थोड़े लंबे लंबे पेड़ हैं, ये पेड़ की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडा रहता है। एंड प्लान हमारा बहुत ही ईजी है एंड मैंने ज़्यादा कुछ क्रिएटिविटी नहीं लिया आज करने के लिए। दैट मीन्स कि मैं सोच रहा हूँ कि बस एक नॉर्मल सा बिरयानी बनाएंगे। एंड आज हाइटी का कोई भी प्रोग्राम नहीं है। हाँ, मैंने बट हाइटी के टाइम पे मैंने कुछ चॉकलेट्स लिए हैं, जो चॉकलेट्स मैं खाने वाला हूँ। एंड साथ में रेडबुल भी है मेरे। एंड तो देखते हैं, चलते हैं हमारे टेंट सेटअप की ओर। और हालांकि टेंट सेटअप करते करते बहुत से मतलब मैं कुछ बोलता नहीं हूँ एक्चुअली। कुछ कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे बोला, दैट मीन्स कि कुछ नहीं, एक ही सब्सक्राइबर ने बोला कि अगर भैया अगर आप अपने वीडियोस पे बात करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि आप कुछ बात नहीं करते हो, आप बस वीडियो शूट करते रहते हो। लूसीफर को वहीं पर मैंने सेट कर दिया है। सो मैं लूसीफर का जो जो पोजीशन है उसको मैं चेंज कर दूंगा, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं रहेगा। एंड और एक चीज़ है, आज एक और कैरेक्टर से आप इंट्रोड्यूस होंगे एंड देखते हैं वो कितना असरदार होने वाला है। बट उसके लिए आपको बने रहना होगा मेरे वीडियोस पे। एंड हालांकि अभी जो टाइम चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल है कि हर कोई हर किसी के ऊपर जज करने बैठ जाता, मतलब किसी को कुछ किसी चीज़ के बारे में पता हो या ना हो, बट हाँ वो जज कर बैठता है। ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं पूरी तरीके से इस चीज़ों को फॉलो करता हूँ, बट हाँ मेरे अंदर में भी है। बट मैं सुधार इस टाइप से करता हूँ, जब मैं मेरे वर्किंग टाइम जब रहता है तब मैं उसे छूट के एंड जब मैं बाहर आ जाता हूँ तो जब मेरा जब मेरा फ्री टाइम रहता है, दैट मीन्स कि संडे मेरा एक फ्री टाइम होता है, तो मैं इस टाइम पे ये कैंपिंग करता हूँ और ऐसे जगहों पे आता हूँ जहाँ पे कोई इंसान ना हो सिवाय मेरे, और मैं तब जज नहीं कर पाता हूँ किसी भी चीज़ों को, क्योंकि कोई है नहीं जज करने के लिए। तो मैं ना ही नेचर को जज कर पाता हूँ, ना ही करता हूँ, क्योंकि मैं इसे जज नहीं कर सकता, इस नेचर को जज नहीं कर सकता, क्योंकि
ये बहुत ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो देखते हैं आगे का सेटअप हमें क्या करना है, तो हम जल्दी से चलते हैं अपने सेटअप की ओर। Hey, Tony, इतना तू यहाँ क्या कर रहा है? Tony, इधर आओ। हाँ, हम कैंपिंग करेंगे साथ में, आ जा। Tony, Tony इधर आ। प्लीज आ जा। ओके, इधर जल्दी जल्दी इधर आ, इधर 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 आ जा। मैंने कर लिया, प्लीज इधर आ जा। यहाँ पे वो बहुत ही शर्मीला है, वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा शर्मीला है, तो वो फ्रेम में नहीं आना चाहता है। तो सो सॉरी, एक्चुअली मुझे लगा कि वो फ्रेम में आएगा, बट नहीं आ रहा है वो। देखते हैं, मैं उसे समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा कि नेक्स्ट टाइम से वो फ्रेम में रहे। एंड वो तो अभी चले गया, कहाँ वो अंदर की तरफ गया है पता नहीं है, बट देखता हूँ मैं। ओके, 10 सेटअप हो चुका है एंड सारा काम ऑलमोस्ट हो गया, मतलब फेरी लाइट्स मैंने लगा दिया। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लकड़ियाँ।
एक्चुअली मच्छर बहुत है यहाँ पे, मतलब लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ पे कैंपिंग किया था तो वहाँ मतलब उस टाइम पे भी मैंने फील किया था कि मच्छर बहुत ज़्यादा है। तो मैं काम करता हूँ अभी, तो मैं लकड़ी ढूंढने उस तरफ मुझे चलना होगा, एंड मैं इस तरफ भी थोड़ा सा सर्वे कर लूँगा। और अभी क्या ना, टेंट का डोर खुला हुआ है, तो मैं काम करता हूँ उसे मैं बंद कर देता हूँ ताकि कुछ मतलब वो कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स वो अंदर ना आ जाए। एंड बंद भी हो जा भाई, एक हाथ से कैमरा पकड़ो और दूसरे हाथ से ओके यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, हाँ है, ये रहा, यहाँ पे देखना होता है तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। ये रहा, चल ऐसे नहीं तो वैसे सही, पर पता नहीं कैसे होगा ये, अब तो छोड़ना ही पड़ा मुझे। चलो हाँ, डोर हुआ बंद, ये अपना डोर बंद हो चुका है और बहुत से चिड़ियों की आवाज़ वहाँ से आ रही है। अब चलते हैं यहाँ, ये लूसीफर यहाँ पे खड़ा है तो यहीं पे खड़े रहने देते हैं। लकड़ियाँ 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 लकड़ियाँ, मुझे लगता नहीं कि मुझे लकड़ियाँ मिलेंगी, तो है नीचे छोटी मोटी लकड़ियाँ, बट इससे तो काम होगा नहीं, और अच्छा खासा आग लगाने से फिर तो कुछ अच्छी खासी लकड़ियाँ चाहिए, यही फंडा है यहाँ पे। और हाँ, हम यहाँ पे आग नहीं लगा सकते पोर्ट ब्लेयर में, एक्चुअली हम अगर ऐसे आग लगाते तो ये अंडमान स्टेट के ख़िलाफ़ है, हम कहीं पे भी आग नहीं लगा सकते ऐसे, हमें परमिशन लेना है विद इन डीसी ऑफिस में जाके हमें परमिशन लेना है कि हम ऐसे कैंप डालना चाहते हैं, और कैंप के साथ साथ हम बोन फायर भी करेंगे। वो जो एरिया कुछ कुछ आपको दिख रहा है ना, जहाँ पे पिलर्स लगे हुए हैं, वो किसी ने प्लॉट ले लिया है, अभी पता नहीं यहाँ पे कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, आई डोंट नो, बट हाँ इतना ज़रूर है कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो होगी ज़रूर। सो लकड़ियाँ 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 लकड़ियाँ, इतनी सारी लकड़ियाँ, हरी लकड़ी वाव वाव वाव, नीली लकड़ी वाव वाव वाव, मजेंटा लकड़ी वाव, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक के वाव, ऐसा कुछ सोचा था होगा, बट अब चलते हैं अपने वहीं पे। क्या मैं पेड़ ही नहीं कुछ कर, इस पेड़ से मैं कुछ नहीं कर सकता, इस पेड़ से मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ यहाँ पे एक छोटी सी लकड़ी दिखाई दे रही है, बट ओके यहाँ से भी मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हम एक रेस्टेशन मतलब एक एक ऐसी जगह पे, ये क्या है, ये बीन्स पेड़ है क्या, मे बी हो सकता है, ये रहा छोटे छोटे ये बीन्स के पौधे हैं या फिर लोबिया, लोबिया कहते हैं ना, या फिर लोबिया, आई डोंट नो, बट है तो कोई भी एक फ्रूट, सॉरी फल है, हाँ फल ही तो है, तो मैं सॉरी क्यों बोल रहा हूँ, और ये बहुत अच्छी है, इससे पता वो हम अगर हमें कुछ चाहिए हो करने के तो हम इससे ऐसे आप समझ लो। यहाँ पे बहुत सारी हैं बट ये नहीं है वो, मुझे नहीं पता क्योंकि इनके ग्रोथ तो और बढ़ नहीं रहे, पता नहीं मुझे इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सो हम इससे ज़्यादा छिड़कानी नहीं करेंगे, बस इससे छिड़कानी कर सकते हैं।
करते हैं सारी ऑनियंस को, चॉप की ऑनियंस को। ओके आज आज हाई टी हमने नहीं किया, बट हाई टी की जगह पे हमने ये जो चॉकलेट है 5 स्टार वो हम ले रहे हैं। दैट्स नाइस। अभी हमें करना है एक काम, टाइम हुआ है 6:34 और ये देखिए ओस गिर रहा है एंड ये पूरे सीट पे अच्छा है। अच्छा मैंने शेल्टर लिया, एक्चुअली शेल्टर में कम से कम ओस तो समझ में नहीं आएगा, बट हाँ ठंडा है यहाँ पे और ये पूरा यहाँ पे अब तो अजीब सा लग रहा देखने में, उस तरफ सब अंधेरा सा। आज चांद तो है ही नहीं बिल्कुल। फिर अब हम थोड़ा रेस्ट इन द सेंस कि लेटते हैं अंदर जाके। ओह आज मैं पिल्लो भी लाना भूल गया, ग्रेट, चलो ऐसे ही लेटेंगे आज। बट हाँ फैन है ना, रेसिपी का जो मेन टेस्ट है वो सारा चला जाएगा। और ये इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है जो कि बहुत ही सेंसिटिव तरीके से बना। सो फाइनली मैं फिर से रिवाइंड कर देता हूँ कि जो मतलब बहुत होते ना कि बहुत कोई स्किप कर देते हैं वीडियोस को, स्किप करके देखते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं अगर स्किप करते हुए इस फेज पे अगर वो कोई आके गिरे हैं मतलब देख रहे हैं, तो मैंने ऑनियन को फ्राई कर लिया है, शैलो फ्राई करके रख लिया एंड मैंने डीप फ्राई भी करके रख लिया ऑनियन को, मतलब दो पार्टों में मैंने डिवाइड कर दिया। उसके बाद मैंने आलू को एक फिनिशिंग कलर देने के लिए, एक लाइट ब्राउन कलर देने के लिए, प्लस मैंने उसे मतलब पकने के लिए इस छोटे से पतीले का, ये पतीला तो नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं केटली, ओके करेक्ट केटली, हम केटली के अंदर आलू को और थोड़ा बचे मेरा ऑनियन जो था उसे मैंने मैश कर लिया, वो कलर एक नेचुरल कलर जो कहते हैं ना वो नेचुरल कलर डालने के लिए मैंने डाल दिया एंड इसे हाई फ्लेम में हम पका रहे हैं एंड ये पकने के बाद इसका मतलब जो फिर उसके बाद बाकी का जो काम है। और हाँ हमने घी लाया है, हम अमूल के घी इस्तेमाल करेंगे एंड उसके बाद हम चावल को नहीं चिकन को प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन करने के बाद हम फिर चावल को बनाएंगे, चावल को बनाने के बाद फिर हम बाहर निकाल देंगे एंड फिर हम उसे उसी बड़े भगोले में फिर से हम उसे लेयर बाय लेयर सजाएंगे एंड आई थिंक ऑसम होने वाला है क्योंकि मुझे भूख ना अब लग रही है क्योंकि मैंने हाइटी कुछ भी नहीं किया। हाँ वो मतलब मैंने चॉकलेट्स खाया है बट उस चॉकलेट से उतना तो फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मेन कोर्स आप करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि इतनी अच्छी मतलब मेन कोर्स में जो आपको सूटेबल लगता है करने के लिए खाने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 9:18 तो
अभी मैं क्या करूँ, ठीक है इसे होने देते हैं तब तक आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लीज़। मैं 500 सब्सक्राइबर के बहुत 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 करीब हूँ, बहुत ही नहीं मतलब 90 सब्सक्राइबर चाहिए मुझे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को मोनेटाइज करने के लिए हेल्प करें, आप सपोर्ट करें। हाँ, अगर सच में मेरे कंटेंट आपको पसंद आते हैं और कुछ अपग्रेड आपको चाहिए तो ज़रूर आप बोले, मैं उसे करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। एंड अगर आपको ऐसी कंटेंट पसंद है, टेंट के हिसाब से टेंट में देखना पसंद है आपको, तो ज़रूर। और ये बात हुई थी, मैं चेंज कर लेता हूँ कि मुझे ना गर्मी लग रही है अब, तो मैं चेंज करके मेरा जो नाइट ड्रेस है, जैसे टी शर्ट और शॉर्ट्स मैं पहनता हूँ, तो वो मैं पहन लेता हूँ क्विकली। ओके बाय। ऑलमोस्ट फिनिश्ड माई डिनर, वाह। Yep.